हेलो फ्रेंड्स, तो रक्षाबंधन आ रहे हैं और रक्षाबंधन में बाजार में हो जाती है मिठाई महंगी, तो क्यों ना घर पर ही बाजार जैसी मिठाई बनाई जाए। तो आज हम ऐसी ही एक मिठाई बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, उसका नाम है क्रीम चॉप। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट बनाते हैं 20 रुपए के ब्रेड से क्रीम चॉप। तो फ्रेंड्स, क्रीम चॉप बनाने के लिए ये ब्रेड मैंने लिया है फ्रेंड्स, ये मीठा वाला पीला वाला ब्रेड है। तो आप भी यही पीला वाला ब्रेड लीजिएगा और इस गिलास से हम इसे गोल गोल राउंड में काटेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से काट लेते हैं फ्रेंड्स, ये आराम से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए, चलिए अब सारे ब्रेड को इसी तरह गोल गोल हम राउंड में काट लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा सारा ब्रेड कट चुका है। तो ब्रेड को साइड कर देते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए चाशनी बना लेते हैं पहले। तो ये इस कप से हम 2 कप पानी डालेंगे फ्रेंड्स और 1.5 कप चीनी डालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसी कप से डालना है जिस कप से आप पानी डालें फ्रेंड्स। तो चीनी मैं डाल चुकी हूँ। अब चलिए गैस को जला लेते हैं और धीमी आंच में हमको चाशनी बनाना है। एकदम मोटा बनाना है चाशनी, पतला नहीं बनाना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना बनाना है कि हाथ में सटने लगे। तो देखिए इस तरह से सट रहा है, मतलब पूरा एकदम लट्ठा टाइप का लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब गैस को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, चाशनी मेरा तैयार हो चुका है, चलिए इसको साइड कर देते हैं और क्रीम की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गल चुका है फ्रेंड्स, अब 1 कप दूध डालना है। तो चलिए दूध और घी को दोनों को मिला लेते हैं फ्रेंड्स। और इसमें आप थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा। और 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं और चलिए इसको थोड़ा चला लेते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए डाल देते हैं और डालकर हमको पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा गाढ़ा हो चुका है। इस तरह से हमको पेस्ट तैयार करना है क्रीम। ये देखिए कितना अच्छा क्रीम है। तो इसे अभी और पीसना है थोड़ा, तब ये सॉफ्ट होगा। तो इस तरह से मिक्सी जार का ब्लेड हटा देना है फ्रेंड्स और इसमें ये सारी क्रीम को डाल देना है और 1 कप फ्रेश क्रीम डालना है फ्रेंड्स हमको। तो ये देखिए, फ्रेश नहीं है तो आप घर पर रखा क्रीम भी डाल सकते हैं। तो चलिए 1 कप मैं डाल देती हूँ और इसे 1 राउंड मरवा देती हूँ। तो ये देखिए, 1 राउंड मैंने मरवाया, ज्यादा नहीं चलाना है, बस 1 राउंड ही चलाना है। तो ये देखिए, इस तरह से क्रीम सॉफ्ट हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा क्रीम भी तैयार हो चुका है और मेरा चाशनी भी तैयार हो चुका है। तो चलिए अपनी क्रीम चॉप को बना लेते हैं। तो ये देखिए, ब्रेड है मेरा और ये चाशनी है और ये मेरा क्रीम है। तो चलिए अब चाशनी में ब्रेड को डाल देते हैं। तो इस तरह से डालना है फ्रेंड्स और चम्मच से दोनों तरफ कोट कर लेना है चाशनी को। तो चलिए अब 1 कप करके सब निकाल लेते हैं चाशनी में डालकर। ये देखिए, सारे निकाल लिए मैंने फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसमें क्रीम लगाने की बारी है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर पर जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। मैंने बनाया, मेरे पति को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने घर पर कैसे बना लिया ये क्रीम चॉप। इस तरह से 1 लेयर लगा के और उसके ऊपर दूसरा रखना है इस तरह से हमको, तब ये क्रीम चॉप तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मेरी रक्षाबंधन में नई क्रीम चॉप की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं करना भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।